जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 पर चर्चा करेंगे। न कृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति पर्वः, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संसार के कर्म और कर्ता के संबंध के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रभु न तो किसी को कर्ता बनाता है, न कर्म करता और न ही कर्म फल से जोड़ता है। यह सब तो प्रकृति के गुण के अनुसार होता है। अर्थात परमात्मा संसार के कार्यों के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। हर प्रकृति, हर व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर कर्म करता है। कर्म और उनके फल का संबंध भी प्रकृति के नियमों पर आधारित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में भी कर्म और परिणाम होते हैं। वह सब व्यक्ति की प्रकृति और कर्मों का ही परिणाम होते हैं, न कि परमात्मा की कोई विशेष योजना। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है, हम स्वयं ही अपने कर्मों के कारण हैं, इस संसार के बंधन में पड़ते हैं और इसी के कारण हमें फल भी मिलता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव स्वकृतम् विभुः, अज्ञानेव ताम ज्ञानम् तेन मोहन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता। अर्थात ईश्वर न तो किसी के पाप का कारण है और न ही किसी के पुण्य का, बल्कि यह अज्ञानता है जो ज्ञान को ढक देती है और इसी कारण से जीव भ्रमित होते हैं। अर्थात हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जब हमने हमारे मन में अज्ञानता का पर्दा होता है, तब हम सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझ पाते और संसार के भ्रमों में उलझ जाते हैं। परमात्मा हम पर कोई पाप या पुण्य नहीं थोपते, बल्कि यह हमारी अज्ञानता है जो हमें भ्रमित करती है और गलत रास्ते पर ले जाती है। इस श्लोक का संदेश, हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर आकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब हमारा मन ज्ञान से प्रकाशित होता है तो हम सही और गलत में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने जीवन में शांति और समझ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नासितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत् परम्। अर्थात जब किसी व्यक्ति का अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है तो उसके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान चमकता है और परम सत्य को प्रकट करता है। यह अज्ञान का अर्थ है वह मानसिक अंधकार जो हमें वास्तविकता और जीवन के सत्य से दूर है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है ज्ञान अज्ञान का नाशक है। यह आत्मा और ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने की शक्ति प्रदान करता है। तद् बुद्धाय तद् आत्मानस तन्निष्ठास तद् पुराणाय गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमसा। जिसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो गई है, जिनका मन उसमें समर्पित हो गया है, जो उसी में स्थित और जिन्होंने उसे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया, वे ज्ञान द्वारा अपने समस्त पापों से मुक्त होकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं लौटते। अर्थात जो लोग परमात्मा में स्थिर हैं और जो परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए ज्ञान के द्वारा अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे रवि हस्तिनी सुनी चैव सवा पाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल यानी नीचे कुल में जन्मे हुए व्यक्ति में समान दृष्टि रखते हुए वास्तव में ज्ञानी होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति विद्या ज्ञान और विनय से संपन्न है वह हर प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह एक विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी कुत्ता या फिर एक चांडाल। ज्ञानी व्यक्ति सभी में समान आत्मा को देखता है। इस श्लोक का संदेश, सच्चे ज्ञान की पहचान किसी के बाहरी स्वरूप से नहीं होती बल्कि उस ज्ञान से होती है जो हर जीव में एक ही आत्मा का बोध कराता है। ई हैव तेर्जित सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिन लोगों का मन समता में स्थिर हो गया है, जो सभी स्थितियों और प्राणियों के प्रति सम्मान दृष्टि रखते हैं, वे पहले इस संसार पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और समान है इसलिए वे ब्रह्मा में स्थित हो गए हैं। इस श्लोक का संदेश, सच्ची आध्यात्मिक प्रकृति जब प्राप्त होती है तब वह जीवन की विभिन्न
परिस्थितियों में समान भाव रखता है। इस अवस्था में वह संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।